अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि नई रेसिपीज आपको फौरन मिल जाएं। आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवाज किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी आलू के बरूले की रेसिपी। ये अलीगढ़ की फेमस आलू की चाट की रेसिपी है, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसके लिए मैंने ये बेबी पोटैटोज ले लिए हैं, ये पूरे हाफ के जी हैं और इसे मैंने उबाल लिया है। और जब आप इसे उबालें ना तो करीब 60% तक उबालें, पूरी तरह से उबालना नहीं है इसे। तो इसे जो है ना मैं एक साइड में रख देती हूँ और जो इसका बैटर है उसे हम रेडी कर लेते हैं। तो बॉल में जो है ना मैं सबसे पहले ऐड कर रही हूँ बेसन। ये मैंने हाफ कप बेसन लिया है। बरूले जो है ना मैदे से बनाए जाते हैं, आप चाहें तो इसमें मैदे का यूज़ भी कर सकते हैं बेसन की जगह पे। और साथ ही में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ कप कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर से ही जो है ना इसमें क्रिस्पी बनाएगा। और अब मसाले ऐड कर लेंगे। ये मैंने लिया है 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। मिर्च की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बरूले जो होते हैं ना चटपटे हों जब ही अच्छे लगते हैं। और 1/2 टीस्पून मैंने ये जीरे का पाउडर लिया है। और नमक ऐड कर लेंगे। नमक जो है ना आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। और साथ ही में मैंने इसमें 2 पिंच हींग ले ली है। और इसमें अब ऐड कर देंगे 2 पिंच रेड फूड कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन जो मार्केट में बरूले मिलते हैं ना उसमें फूड कलर ऐड किया जाता है, तो इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इन सबको जो है ना अच्छे से एक बार मिक्स कर लें पहले। और अब इसमें हम ऐड कर लेंगे पानी। पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और मिक्स करते जाएँ। ये बहुत ही क्रिस्पी से बरूले बनते हैं। और जब नए नए आलू आते हैं ना उस टाइम पे इस चाट को बनाया जाता है। नए आलू से ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो ये देखिए, इसे मैंने एक पेस्ट की तरह बना लिया इस तरह से। और अब जो हमने बेबी पोटैटोज बॉईल करके रखे थे ना उसे इसमें ऐड कर देंगे। और इस बैटर को आलू के ऊपर जो है ना हमें अच्छे से लगा देना है। जब बरूले बनाए ना तो इसकी आलू के जो ऊपर का छिलका है ना इसे नहीं निकालें। इससे बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं आलू के बरूले। तो ये देखिए, इस तरह से बहुत अच्छे से जितना भी बैटर है ना हम आलू के ऊपर लगा देते हैं। तो ये देखिए, आलू के ऊपर जितना भी बैटर था वो अच्छे से कोट हो चुका है। इसे हम एक साइड में रख देंगे करीब 10 मिनट के लिए, जिससे कि जितने भी मैंने इसमें मसाले डाले हैं उसका टेस्ट जो है ना आलू में अच्छे से आ जाए। जब तक ये मैरिनेट हो रहा है तो जो बरूले की स्पेशल चटनी होती है उसे हम रेडी कर लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए ग्राइंडर जार में मैं सब चीज़ें ऐड करती जा रही हूँ और उसकी क्वांटिटी भी आपको बताती जाऊँगी। ये मैंने लिया है 1/2 बंच हरा धनिया। बरूले की चटनी में जो है ना पालक के पत्तों का यूज़ किया जाता है। तो ये मैंने करीब 8 से 10 पालक के पत्ते लिए हैं। और साथ ही में एक छोटे साइज का टमाटर लिया था, उसे भी इसमें ऐड कर देंगे। और ये लिए मैंने 4 हरी मिर्च और 5 कलियाँ मैंने लहसुन की ली हैं। लहसुन की कलियाँ जो है ना मेरे पास बड़ी बड़ी थी इसलिए मैंने 5 ली हैं। अगर आपके पास छोटी छोटी लहसुन की कलियाँ हैं ना तो करीब 8 से 10 ले लें। और 1/2 इंच का अदरक का पीस लिया ये। और अब मसाले ऐड कर लेंगे। ये मैंने लिया 2 टीस्पून आमचूर पाउडर। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो इसकी जगह पे आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं इसमें। 1/2 टीस्पून काला नमक लिया है। 1/2 टीस्पून ही मैंने इसमें जीरा लिया है। और ये मैंने लिया है रेगुलर सॉल्ट। सॉल्ट की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। और जो इसमें मिर्च डाली है वो भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही ले लें। तो अब इसकी जो है ना चटनी पीस लेते हैं। तो ये देखिए, बरूले की चटनी तो मैंने रेडी कर ली है। इसे पीसते वक्त मैंने इसमें 2 टेबल स्पून पानी और ऐड कर लिया था। और ये चटनी जो है ना बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसे तहरी, वेजिटेबल पुलाव, दाल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए, चटनी तो मैंने रेडी कर ली है, जो बरूले हैं उसे किस तरह से बनाना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इसे मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया था। ये बिल्कुल तैयार है, अब इसे हम फ्राई करेंगे। जब मैंने इसे 10 मिनट के लिए रखा था ना तो इसमें जो मैंने बैटर ऐड किया था वो थोड़ा थिक हो गया था, तो इसीलिए इसमें मैंने 2 से 3 टेबल स्पून पानी और ऐड कर लिया, जिससे जो इसकी कंसिस्टेंसी है ना एडजस्ट हो जाए। अगर आपको लगता है कि जो इसमें बैटर ऐड किया वो थिक हो गया तो उसकी कंसिस्टेंसी को जो है ना अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। तो ये देखिए, ये बिल्कुल तैयार है। तो चलिए, अब इसे हम जो है ना फ्राई कर लेते हैं। आलू है ना उसे हमें फ्राई कर लेना है। तो मैंने पैन में ऑयल ले लिया, ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म कर दिया है। और ऑयल को गर्म करने के बाद मैंने इसकी फ्लेम को मीडियम पे कर दिया है। तो जो आलू को हमने बैटर लगा के रखा था ना उसे आप इसमें हम एक एक करके ऐड करते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से
आलू को जो है ना ऑयल में ऐड करने के बाद जो है ना एकदम से नहीं चलाएं, नहीं तो इसकी कोटिंग जो है ना उतर जाएगी। 2 मिनट तक इसी तरह से हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए आलू को फ्राई होते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, तो अब इसकी साइड को हम चेंज कर लेंगे इस तरह से। और एक साथ बहुत ज्यादा से आलू को ऐड नहीं करना, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएंगे। तो ये देखिए आलू को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसे फ्राई होने में करीब 6 से 7 मिनट लग गए हैं और इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये ऊपर से क्रिस्पी हो गई है। तो अब इसे जो है ना हम निकाल देंगे। लेकिन अभी जो है ना भरूरे पूरी तरह से रेडी नहीं हुए हैं, इसका एक स्टेप और है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो प्लीज वीडियो को आप जो है ना पूरा देखें और देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है आलू के ऊपर इसी तरह से जो है। तो ये देखिए आलू जो है ना फ्राई हो चुके हैं। आप चाहें तो आलू को इसी तरह से चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, लेकिन इसे जो है ना ठेले के ऊपर किस तरह से सर्व किया जाता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से आलू को फ्राई करके हम रख लिया जाता है। उसके बाद जब भी कोई आलू की चाट लेने आता है ना, तो इसे हल्के से इस तरह से मैश करते हैं, हाथ से हल्के हाथ से इस तरह से मैश कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद हम एक बार और इसे फ्राई कर लेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये काफी गर्म है तो किसी भी बोल से या कटोरी से लेके इसे मैश कर लें इस तरह से। एक मैंने ये बोल ले लिया है, इससे मैं इसे मैश कर लेती हूँ इस तरह से। और चलिए इसे एक बार और हम फ्राई करेंगे। ये देखिए जो ऑयल है ना मैंने इसे अच्छे से गर्म कर लिया, इसे बहुत अच्छे से गर्म कर लेना हाई फ्लेम पे। और जो हमने आलू मैश करके रखे थे उसे इसमें हम ऐड कर देते हैं। अब बहुत ज्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है, करीब 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो ये देखिए आलू को जो है ना हाई फ्लेम पे मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है और ये हो गए एक्स्ट्रा क्रिस्पी। तो ये इसी तरह से बनाए जाते हैं, देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है और बहुत ही क्रिस्पी हो गएंगे। तो चलिए मैंने सब चीजें रेडी कर ली हैं, जो एक्स्ट्रा क्रिस्पी भरूले थे वो भी मैंने फ्राई कर लिए हैं। तो अब इसे अरेंज किस तरह से करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो जो हमने क्रिस्पी वाले भरूले बनाए थे ना उसे इस तरह से एक प्लेट में रख लेंगे और ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। और ये देखिए अब इस पे जो हमने चटनी बनाई थी मजेदार और चटपटी सी, तो इसे इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। तो फ्रेंड्स ये टेस्टी से भरूले की चाट आप लोग जरूर बनाएं, बहुत ही टेस्टी होती है और बन भी बहुत आसानी से जाती है। और अब इसमें ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला। तो जल्दी से इस टेस्टी सी चाट को आप लोग ट्राई करें और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लग रही हैं। और देखते रहें मेरे चैनल को इसी तरह की टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही में मेरे वीडियोज़ को अपने फैमिली फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इंजॉय करें मज़ेदार से अलीगढ़ के मशहूर भरूले विश शिवाज किचन। थैंक यू।